हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर टॉक बाय शुभम पाठक। और टुडे वी विल डिस्कस द इलेक्शंस ऑफ दिल्ली। व्हाट आई मीन इज कि जो दिल्ली में इलेक्शंस हो रहे हैं एमसीडी के चुनाव, तो एमसीडी क्या है? एमसीडी इज़ अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। लेट्स सी, इट्स अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, राइट? तो अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी इस चुनाव में और बाकी सभी पार्टियां इनको लड़ रही हैं। तो हम देखेंगे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होती है, ठीक है? तो ये आता है बेसिकली अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपका जो संविधान है, हमारा जो संविधान है उसमें 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1992 या 3 में हुआ था, 1992 ले लो, 1992 में 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, तो जिसमें ये बोल दिया गया कि आपका जो इलेक्शंस है, लोकल पीपल का रिप्रेजेंटेशन है, वो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू होगा। अर्बन लोकल दो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एनेक्ट हुए, 73rd और 74th। 73rd में रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आया और 74th में अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आया। रूरल लोकल रूरल एरियाज़ के लिए और अर्बन आया अर्बन एरियाज़ के लिए। तो इसमें इलेक्शंस कैसे होते हैं, देखो इसमें इलेक्शन आपके ऐसे होते हैं कि आपका एक ही पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये एरिया, दैट एरिया विल बी डिवाइडेड इंटू मल्टीपल पार्ट्स, ठीक है, मल्टीपल एरियाज में डिवाइडेड हो जाएगा। इस एरिया को बोलेंगे वार्ड, पर्टिकुलर एरिया को बोला जाएगा वार्ड, ठीक है, और वार्ड के क्या होंगे, वार्ड मेंबर, ठीक है, दैट विल बी वार्ड मेंबर्स। तो यानी वार्ड वन, वार्ड टू अप टू वार्ड एन, ठीक है, एंड दैट वार्ड मेंबर्स के इलेक्शंस होंगे डायरेक्ट। तो कैसे इलेक्शंस होंगे, डायरेक्ट इलेक्शंस। तो डायरेक्ट इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस का क्या मतलब है, डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब है पीपल विल डायरेक्टली पार्टिसिपेट, जो लोग हैं वो अपने वार्ड मेंबर को चुनेंगे, ठीक है। वार्ड को बेसिकली क्या कहते हैं, वार्ड मेंबर जो होता है उसको बोला जाता है पार्षद, हिंदी में पार्षद से आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो पार्षद होता है वो पर्टिकुलर एरिया में जो सब एरियाज बने हुए होते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होता है, ठीक है। इन ये वाले जो वार्ड मेंबर्स हैं ये सारे मिलके रिप्रेजेंट क्या करेंगे, म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल बेसिकली क्या होती है, काउंसिल होती है अ ग्रुप ऑफ पीपल विच आर रिप्रेजेंटिंग और विच आर डिपिक्टिंग अ सम काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट एट लोकल प्लेस, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये मिल करके लोकल अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो दिस इज़ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट एट अ अर्बन लेवल, राइट। तो ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होगा, ठीक है, इसमें दो लोग होंगे। देखो म्यूनिसिपल काउंसिल तो काउंसिल हो गई, तो आपका जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ना, इसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है। इसका एक तो होता है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, ठीक है, दूसरा होता है डेलीबरेटिव बॉडी, ठीक है, डेलीबरेटिव बॉडी होती है। अब ये दोनों, ये जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है दैट इज एन एग्जीक्यूटिव पार्ट, एग्जीक्यूटिव पार्ट, ठीक है। तो इस एग्जीक्यूटिव बॉडी को यानी इस इम्प्लीमेंटिंग बॉडी को जो हेड करता है दैट इज म्यूनिसिपल कमिश्नर। म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अ आईएएस, ये एक आईएएस होता है जो इसको हेड करता है, ठीक है। डेलिबरेटिव बॉडी बेसिकली पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, तो इसका मतलब इसके कुछ सब्जेक्ट्स भी होंगे जिन पे पॉलिसी बनाएगी, दैट सब्जेक्ट्स एक्चुअली डिटरमाइंड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट।
इन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो 12th शेड्यूल में डाले। 12th शेड्यूल जो है, हमारे यहाँ कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं टोटल, 12 शेड्यूल्स हैं टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जिसमें जो आखिरी शेड्यूल है, ये सब इसमें जो है कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शंस के आते हैं, ठीक है। जैसे हेल्थ हो गया, सैनिटेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। देखो, ठीक है, उसके बाद आपके ये जो लोग हैं, ये वाला जो बॉडी है, ये वाला जो बॉडी है, ये सारा बॉडी विल बी हेडेड बाय अ मेयर, ठीक है। माने कैसे होगा कि वार्ड 1 के पार्षद आए, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, अप टू वार्ड n, सारे पार्षद आए। इन पार्षदों ने मिलके एक काउंसिल बना ली, उसका बनेगा अब एक हेड, एंड दैट काउंसिल विल बी हेडेड बाय अ मेयर। अब जो मेयर है, मेयर के इलेक्शंस डायरेक्ट हो सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट हो सकते हैं, दैट विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, इसमें क्या है, इसमें मेयर को भी कौन चुनेंगे, पीपल। और अगर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे तो विल बी इलेक्टेड बाय हुम, इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स, इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स, ये लोग जो है इसको इनेक्ट करेंगे। सो दिस इज हाउ द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्क्स, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन इन दी डेली ऑल्सो। आपने एक नारा सुना होगा कि पार्षद भी आपका करके, पार्षद भी आपका, और ये तो बेसिकली पार्षद का मतलब है ईच वार्ड मेंबर का, जो ईच वार्ड मेंबर जो है दैट इज पार्षद, वो इलेक्ट होगा, वो सारे इलेक्शन करके अपना एक बनाएंगे मेयर, वो मेयर का चुनाव होगा फिर, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स, सम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। थैंक यू।